अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 5। दिस इज़ मी योर टीचर मुश्ताक अहमद एट बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहरा फिरोज, सब्जेक्ट टीचर कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ कमांड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन इंटरएक्टिव लैंग्वेज इन विच अ यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लर्न्ड फॉर द पर्पस टू डेवलप और डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर यू विल विजिट द सॉफ्टवेयर हाउसेस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल्स वेयर दे आर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप द सॉफ्टवेयर्स। So dear students, in this lecture we are going to study about a command. So in language, command is a set of instructions that is given to computer to perform a specific task. So dear students, in programming language there is a command that is used or that is defined as it is a set of instructions that is given to computer to perform a specific task. There are many types of the commands, but in this topic we are going to study about CLS command and clear CLS command and save commands that are present on book page number 30. Dear students, CLS is one of the commands that is given to computer to clear the screen, and save command is used to store something into the memory of a computer. तो प्यारे बच्चे, आज जो हमने पढ़ा है वो आज हमने पढ़ा है कमांड के बारे में। जैसे कि जैसे हमारी रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी हम कमांड पढ़ते हैं। तो कमांड कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में हम कमांड को पढ़ते हैं कि कमांड क्या होता है। कमांड एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम किसी बंदे को कोई भी काम करने के लिए देते हैं। फॉर सपोज हम कहते हैं क्लोज द डोर, शट द विंडो। तो दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन कमांड फॉर्म इन इम्परेटिव सेंटेंस। सो कमांड जो है बेटा, वो कमांड हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम बिल्कुल वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हम रोज़मर्रा लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, या हम उर्दू या सिंधी में जो लैंग्वेज की ग्रामर पढ़ते हैं उसमें भी हमारा कमांड्स जो हमारे कमांड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कमांड का सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन वो एक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम के अंदर एज अ इंस्ट्रक्शंस करके देते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो कोई भी स्पेसिफिक जो टास्क है उसको आसानी से परफॉर्म कर सके। तो प्यारे बच्चे, जैसे CLS मैंने आपको बताया या सेव बताया, तो ये दोनों क्या है हमारे लिए? एक कमांड है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोड एग्जीक्यूट करेंगे या लिखेंगे, उसमें अगर हमें स्क्रीन को क्लियर करना होगा, स्क्रीन को साफ करना होगा, तो हम CLS कमांड यूज़ करेंगे। CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन एंड सेव। सेव क्या होता है? जब प्रोग्राम के अंदर जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हम इनको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करें, तो हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सेव कमांड। तो प्यारे बच्चे, सेव कमांड और CLS कमांड बोथ आर द कमांड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CLS स्क्रीन स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन एंड सेव कमांड इज़ यूज टू सेव द करंट प्रोग्राम इन टू द मेमरी ऑफ अ कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो पढ़े हैं कमांड के बारे में। कमांड क्या होता है? कमांड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। कोई भी जो स्पेसिफिक टास्क है उसको हम जब परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। फॉर सपोज जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारा जो कमांड होता है वो परफॉर्म हो जाता है। तो
तो प्यारे बच्चे हमने जो आज पढ़ा है वो कमांड और CLS एंड सेव कमांड के बारे में पढ़ा है। बाकी जो कमांड से रिलेटेड टॉपिक हैं वो हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 उसमें ज़्यादातर लिखे हुए हैं। लोड कमांड भी है हमारे पास, लिस्ट कमांड भी है, रन कमांड भी है। तो वो जो टाइप्स ऑफ कमांड्स है वो हम पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 4। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कमांड। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द कमांड, तो आपने ये बताना है कमांड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। डियर स्टूडेंट्स, योर लेक्चर एंड्स हियर एंड सम होमवर्क इज गिवन यू दैट यू विल हैव टू डू एंड सेंड मी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज दैट name the persons who designed the original basic language. So dear students, आपका homework है कि आपने वो persons बताने, वो scientists बताने जिन्होंने original basic language बनाई थी। So dear students, our lecture ends here and we will meet in next lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum, dear students.